हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप लोगों के लिए आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर, यदि हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप ना हो तो हमें सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज को मोबाइल में कैसे चलानी चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूँ, यदि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है और आपको सी भाषा या सी प्लस प्लस भाषा आपको अपने मोबाइल में ही रन करके देखनी हो कि कैसे प्रोग्राम बनते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, ये वीडियो आगे काफ़ी लोगों को शेयर करें जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कि यदि हमें मोबाइल में सी और सी प्लस प्लस भाषा को चलाना हो तो कैसे चलाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर आपके मोबाइल में, सबके मोबाइल में होता है। आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ से प्ले स्टोर को खोलना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है टर्बो सी। सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है टर्बो सी लैंग्वेज, आपके सामने मोबाइल पर आ गया है लिखकर। आपको क्या करना है, अगर इस लैंग्वेज को टर्बो सी को आपको मोबाइल में इंस्टॉल करनी है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आपके सामने टर्बो सी के बहुत सारे ऐप्स सामने आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको इनमें से कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये वाला ऐप जहाँ पर ये छोटा सा आपको टर्बो सी एंड्रॉयड लिखा है, टर्बो सी एंड्रॉयड लिखा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों, ये ऑलरेडी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है तो इसलिए मेरे मोबाइल में इंस्टॉल लिखा नहीं आ रहा है। आपको क्या करना है, मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इस फॉर्मेट में थोड़ी टाइम लगेगा, ये आपका ओपन होने लगेगा। ओपन होने के बाद ये आपके सामने सी खुल के आ जाएगी। देखिए, जैसे कि आप कंप्यूटर में काम करते हैं, सेम इसी फॉर्मेट में आपके सामने सी खुल कर आ रही है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को सामने जो सी की फाइल खुलकर आ रही है, इस फाइल को बंद करने के लिए आपको अपनी माउस तो इसमें दोस्तों होता नहीं है, तो आपको अपनी उंगली से ड्रैग करते हुए आपको आना है। कहाँ पर ड्रैग करते हुए आपको आना है, विंडो पर। विंडो पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपको पहले से पहले जो फाइल सामने खुली हुई है उस फाइल को बंद कर देना है क्लोज ऑल से। क्लोज ऑल से फाइल को बंद कर देंगे, जो सामने फाइल खुली होती है सब फाइल बंद हो जाएंगी। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एक नई फाइल ओपन करनी है। दोस्तों, वेट करिए, मैं आपको इसमें फाइल बनाकर रन करके सब दिखाऊंगा कैसे फाइल इसमें बनती है, कैसे रन होती है। अब आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर को ले आना है फाइल पर। फाइल पर ले आने के बाद आपको क्लिक करना है और माउस पॉइंटर न्यू पर आने के बाद क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर वही सेम दो हेडर फाइल जो होती है आपके दोस्तों, वही टाइप करते हैं हम लोग। कैसे, यहाँ पर हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से। आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है कीबोर्ड। कीबोर्ड नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर कीबोर्ड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप हैश, दो हेडर फाइल जो आपको पता है, आप हैश इंक्लूड लेस देन सिंबल लगाइएगा। दोस्तों, लेस देन कौन कौन सी फाइल है आपकी, stdio.h और लेस देन वाला सिंबल, फिर ग्रेटर देन वाला सिंबल फिर लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, फिर यहाँ पर लिखिए हैश इंक्लूड, उसके बाद फिर लेस देन वाले सिंबल लगाइए। लेस देन सिंबल लगाने के बाद आपको क्या करना है, लेस देन सिंबल लगाने के बाद फिर आपको यहाँ लिखना है क्या, conio.h और इस वाली इसको बंद कर देना है किससे, इससे। हो गया, एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर लिखना है, आपको पता है कि सी लैंग्वेज में हर फंक्शन लिखा जाता है कौन सा, वर्ड मेन। आपको यहाँ पर वर्ड मेन लिख देना है और यहाँ फंक्शन के सिंबल लगा देने हैं, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर फिर ब्रेसेस लगाइए आप, कर्ली ब्रेसेस, और एंटर प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ हेलो प्रिंट करके दिखाते हैं तो उससे आपको क्लियर रहेगा कि सी में, मोबाइल में सी लैंग्वेज कैसे चलती है। अब यहाँ स्पेस दीजिए, स्पेस देने के बाद आपको यहाँ क्या करना है,
CLRSCR फंक्शन लगा देना है। फंक्शन लगाने के बाद लास्ट में क्या लगता है दोस्तों, सेमी कोलन, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंट एफ से हेलो प्रिंट करना है। तो पहले प्रिंट एफ लिखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर डबल कोट्स लगाइए। डबल कोट्स लगाने के बाद क्या लगाना है, स्लैश एन लगाना है। तो स्लैश एन लगाने के लिए हम दोबारा स्लैश एन जाते हैं और यहाँ पर हम लोग स्लैश एन लगते हैं और स्लैश एन से हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, हेलो। हेलो हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा अलग से दिखाई दे कि स्क्रीन पर कैसा आता है। और स्पेस की दबाइए, उसके बाद डबल कोट्स को कर दीजिए बंद और ब्रैकेट को भी बंद करने के बाद सेमीकोलन लगा दीजिए। एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग लगाते हैं गेट सी एच। गेट सी एच लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दीजिए। और एंटर प्रेस करने के बाद आप क्या करना है, अब आपको यहाँ पर मेन के ब्रेसेस बंद करने हैं। अब ये फाइल बन चुकी है, अब इस फाइल को सेव करने के लिए आप जाइए माउस पॉइंटर को दोबारा से ले जाइए कहाँ पर, फाइल मेन्यू पर और क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा फाइल को किस नाम से सेव करनी है, तो आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करिए और फाइल का यहाँ कुछ भी नाम दे दीजिए। आपने मान लीजिए फाइल का नाम दे दिया, जैसा कि दोस्तों मैं वीडियो में बता चुका हूँ फाइल का नाम प्राइमरी नाम कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पर दे दीजिए टेम्प दे देते हैं, चलो टेम्प डॉट सी। डॉट सी जरूर देनी पड़ेगी, आपको पता है कि डॉट सी नहीं देंगे तो सी लैंग्वेज की फाइल नहीं बनेगी। अब माउस पॉइंटर यहाँ लेकर आइए कहाँ पर, ओके पर। ओके पर लाने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब हम फाइल को कंपाइल करते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कंट्रोल की तो होती नहीं है ना F9 की होती है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है कंपाइल पर, माउस पॉइंटर कंपाइल ले आना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रन करना है ना प्रोग्राम, तो रन कंपाइल रन एक साथ कर देते हैं हम लोग, कंपाइल और रन एक साथ कर देते हैं। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद इसको कर दीजिए, अब देखते हैं क्या होता है। देखो सामने स्क्रीन पर दोस्तों हेलो प्रिंट होकर आ गया है। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है, इसी प्रकार दोस्तों आपको अपने प्रोग्राम इस वाले एप्स में बनाने हैं। जिनके पास लैपटॉप नहीं है और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है दोस्तों, वो अपने एंड्रॉइड मोबाइल में इस एप्स को डाउनलोड कर अपने मोबाइल में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए ये एप्स मैंने बता दिया है। इस वीडियो से संबंधित यदि आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बताते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।